नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरिता जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग में शुरू करूँ दिन में से, और मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पे आम टॉक, वो भी जो सुखाए वाले आम फ्राइड होते हैं ना, उनसे बना रही हूँ। ये वाली अचार जो है आपको पहाड़ी शादी में बहुत देखने को मिलता होगा, पहले से बहुत बनता था और बहुत टेस्टी होता था। इसमें काजू किशमिश वगैरह सब कुछ डालते हैं, तो मैंने भी अभी किशमिश डाल रखे इसमें और बहुत टेस्टी ये बनता है। तो कल से भिगा रखे थे हमने और आज ये बनाऊँगी, इसके लिए बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो दोस्तों काफ़ी टेस्टी होता है, इसको रोटी या चावल की चीज़ हम भी खा सकते हैं और स्टोर भी करके रख सकते हैं हम। ये एक हफ्ते का ख़राब नहीं होता, कोई डब्बे में पैक करके रख दो और खाते दो, ये ख़राब नहीं होता। तो इसकी रेसिपी सिंपल सी है, तेल डालो उसमें, थोड़ा सा छौंका मारो हींग का या फिर मेथी दाना मैंने डाला हुआ है, और उसके ऊपर ये आम जो भिगे वो डाल दिए, नॉर्मल से नमक मिर्च डाला, किशमिश से वो डाल दिए, काजू डाल दिए और आम डाल दिए, और उसके ऊपर थोड़ा गुड़ डाल दिया। गुड़ नहीं है तो चीनी का यूज़ कर सकते हैं, बस ये बन जाता है। तो ये है वो अचार। तो अभी मैं बनाती हूँ दिन का खाना, ये तो बन चुका है और मैंने फ्राई के लिए इतना ही भिजा था, बाद में और भिजाऊंगी फ्लावर में। दोस्तों यहाँ पे झोली भी बन के तैयार हो गई है, उबल रही है, बस थोड़ा सा इसमें बस मम्मी मूली थेच रही है और उसको डालेंगे मूली थेच के। उसके बाद यहाँ पे चावल रखती हूँ मैं, बस खाना भी रेडी हो गया है। और जो अचार मैं कह रही थी कि मैं बना रही हूँ करके, वो भी बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो अचार, साथ में है छोले। तो दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ कि मैं नींबू का अचार भी बना दूँ। तो कई जब मैं बहुत पहले मैं मतलब मायके गई थी ना, वहाँ से लेके आई थी, तब से ऐसे रखे हुए हैं और थोड़ा सा सिकुड़ भी गए हैं, बहुत टाइम हो गया ना तब से। तो मैं सोच रहा हूँ इनका अचार बना ही देती हूँ, क्योंकि इसमें रस थोड़ा कम है तो अचार बनाने के काम का है। इसका जो छिलका है ना थोड़ा मोटा है इस वजह से, तो इसको मैं अचार बना रही हूँ। और भिगाने के लिए रखे हैं सुबह से ही नमक के पानी में, ताकि जो इनकी गंदगी है नींबू की सब निकल जाए। मैं इनको कट करके नमक मिर्च वगैरह डाल के, इसका मसाला डाल के, इसको बिना तेल का अचार बनाऊंगी, चटपटा, जो कि खट्टा मीठा होता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। पिछली बार बनाया था मैंने, तो तब से मुझे आता है बनाना, तो इसको मैं बनाती हूँ आज। और खाना भी बन ही चुका है लगभग, बस झोली पकेगी और सीटी आ जाएगी चावल में, तो हमारा खाना भी रेडी है। टाइम अभी हो रखा है दोस्तों 1 बजने में, अभी 10 मिनट है, तो ठीक टाइम में बन गया है खाना भी। तो चलिए मैं अपने नींबू का काम कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, शाम का टाइम हो रखा है अभी और दिन भर में मैंने कुछ शूट ही नहीं करा, मैं भूल गई थी, मैंने ब्लॉग भी शुरू कर रखा है करके। तो अभी शाम का टाइम हो रखा है और अभी मैंने सब्जी वब्जी सब बना दी है, और दिन में अचार बनाया था वो आम टॉक वाला, वो भी बड़ा टेस्टी हो रहा है। तो अभी मैं इनके लिए चावल फ्राई करूँगी, क्योंकि ये कद्दू की सब्जी नहीं खाते हैं, साथ में दही भी है और साथ में रोटियाँ बनाऊँगी अभी, और बस। तो दोस्तों आज कुछ है नहीं खास वीडियो बनाने के लिए, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।